जैसे ही बच्चों मणिपाल का रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद बच्चे परेशान थे क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रैंक, वो रैंक उनकी आई नहीं। और ना आने के बाद बच्चों की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है, चॉइस फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। तो बच्चे परेशान हैं कि हमारा क्या MIT बेंगलुरु के अंदर क्या हमें कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस कॉलेज के बारे में हम लोग आपको सारी कट ऑफ्स बताने वाले हैं, हर ब्रांच की बात करेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों की बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं क्या कुछ वेरिएशन आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी से लेके जब तक मणिपाल की काउंसलिंग चलेगी तो पूरी सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में भी डल रही होंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। MIT बेंगलुरु, इसका देखो बच्चों जो जयपुर कैंपस है ना उससे भी ऊपर बेंगलुरु को रखने लग गए हैं, बिकॉज यहाँ की जो प्लेसमेंट है अभी तक हुई नहीं है। 2025 में इसकी फर्स्ट प्लेसमेंट होने वाली है, क्योंकि बेंगलुरु की लोकेशन काफी अच्छी है, IT हब है वहां पे, इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि ये काफी अच्छी प्लेसमेंट्स देके जाएगा, इसलिए जयपुर से पहले बेंगलुरु के बच्चे रखने लग गए। बाकी तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल जैसे ही हमारे साथ हो जाते हो तो वो तो सारी चीजें हम लोग ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले CSE ब्रांच की बात करें तो राउंड 1 में 6494 तक मिल जाता है, राउंड 2 में 8333 तक, राउंड 3 जो बिल्कुल लास्ट राउंड होता है 8888 रैंक तक आपको यहां एडमिशन मिल जाता है। बच्चे पूछ रहे थे कि इस साल क्या वेरिएशंस जा सकता है। देखो बच्चों, पिछले साल के कंपैरेटिवली लगभग वही आपका रहने वाला है, बाकी को जो भी होगा राउंड 1 के बाद आपको पता चल जाएगा, राउंड 1 की कट ऑफ से सारी चीजें समझ आ जाती हैं। बट मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा कुछ डिफरेंस इस बार नहीं रहने वाला है, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग काफी अच्छे से करनी होगी, तो उसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो CSE विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको 11738 रैंक तक, CSE के साथ ही साइबर सिक्योरिटी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें 17427। बच्चों को एक कॉमन डाउट रहता है कि जो स्पेशलाइजेशन है CSE की उसमें क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, पूरे 4 साल के दौरान आपको बस 4 to 5 सब्जेक्ट्स ही बस अलग पढ़ने पड़ते हैं, वरना लगभग सिलेबस आपको सेम देखने को मिलेगा। बाकी प्लेसमेंट के लिए सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो सभी के सभी एलिजिबल होती हैं, राइट? तो इसके लिए परेशान मत हुआ करो, अगर इसकी स्पेशलाइजेशन भी आपको मिल रही है तो आप लोग ले सकते हो, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी CSE विथ डेटा साइंस की बात करें तो 17587 तक, IT ब्रांच जो है 20167। देखो बच्चों, अभी मैंने कुछ ब्रांचेस का डिस्कशन किया है, अभी मैं और भी ब्रांचेस का डिस्कशन करूंगा, बट उससे पहले 3 to 4 मिनट्स में आपके लेने वाला हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सुनना चाहिए। अगर आप लोग स्किप करते हो इस पार्ट को तो हो सकता है कि आप एक अच्छे कैंपस में आपको मिल सकता था, उसकी एक अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, बट यही कि आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी, जिस वजह से जाकर के आपको एक बेटर ब्रांच या बेटर कैंपस नहीं मिल पाया। क्योंकि यहां पे टोटल 4 कैंपस आपको देखने को मिलते हैं, मेन कैंपस हो गया MIT मणिपाल, बाकी बेंगलुरु, जयपुर और सिक्किम, तो ये 4 कैंपसेस हैं, तो इसमें आपको इतनी सारी ब्रांचेस देखने को मिलेगी, इन ब्रांचेस को आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अच्छे से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें एक मिस्टेक हो जाती है, बच्चों को मिल सकता था मेन कैंपस और गलती से मिल गया उनको जयपुर वाला कैंपस, फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे को तो बेटर वाली ब्रांच मिल सकती थी, बेटर कैंपस मिल सकता था, बट वही मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी, जिस वजह से बच्चे को मिल नहीं पाया। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जितने बच्चे भी इनरोल्ड होते हैं उन सभी बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाती है। ऑलरेडी हमारे पास 50+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, बस कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सीट्स बची हैं, अभी के लिए इसकी जो फी रहने वाली है ओनली 1999 है, ये कभी भी इंक्रीज हो सकती है, 1999 से 2999 हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी इसकी फीस आप लोग भरोगे तो 18 to 20 लाख रुपीस इसकी फीस ही है, और इतना ज्यादा फीस भरने वाले हो तो एक बेटर कैंपस एंड बेटर ब्रांच तो मिल सके। तो मैं अब आपको इसके फीचर्स बता देता हूं कि इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर। सबसे पहली चीज, जैसी आप लोग अभी जाकर के ज्वाइन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है, कॉल आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं, साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको एक ऐड कर दिया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि आप जिस भी कैंपस में जा रहे हो उस कैंपस में जो भी आपके फ्रेंड्स बनने वाले होंगे ऑलरेडी जो उस कैंपस में ले रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिनसे कि आपके जो भी डाउट्स अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन कॉलेज तक नहीं हो जाता तब तक आप लोग सारे के सारे डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो। बाकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग से ही डिसाइड होगा कि कौन सी ब्रांच या कौन सा कैंपस मिलेगा। तो ये चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज्ड हमारे मेंटर आपको करा के देने वाले हैं, ठीक है? पर्सनलाइज्ड, जिस बच्चे की जो रैंक है उसके हिसाब से पर्सनलाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी भेज दिया बच्चे को ऐसे ही, क्योंकि काउंसलर्स मार्केट
में काफी भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है, जो कि पिछले साल बच्चे आप लोग रिव्यू जाके देख सकते हो, पिछले साल भी हमारे पास लगभग 200+ स्टूडेंट्स थे। तो इसलिए जाकर के जो पर्सनल मेंटर है वो आपकी बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग कराएंगे, बाकी जो भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर के 1999 में ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में जैसे ही बच्चे बढ़ेंगे तो पर्सनल मेंटर्स भी इंक्रीज होंगे, इसलिए 2999 फी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि हमारा एक्चुअली में ऑफिस भी है जहां से वीडियो शूट हो रही है, तो आप लोग ऑफिस विजिट करके भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। ऑफिस पे आने के लिए 99 रुपीज का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और इसकी जो ऑफलाइन में फीस रहने वाली है मनीपाल काउंसलिंग कराना चाहते हो दैट इज 20,000 रुपीज। बट इस 20,000 में क्या होगा कि आप जितनी भी काउंसलिंग कराना चाहो, मनीपाल की, VIT की, बिटसेट की, या स्टेट काउंसलिंग जितनी भी कराना चाहो, तो 20,000 में ही इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप लोग ऑफलाइन विजिट करना चाहते हो, हमारा ऑफिस दिल्ली NCR के अंदर है, तो विजिट करना चाहते हो तो 99 रुपीज का स्लॉट बुक कर लेना, बाकी अगर नहीं तो जल्दी से जाकर के ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट ब्रांच पे चले तो आ जाता है EC ब्रांच। ये भी एक अच्छी ब्रांच रहने वाली है, क्योंकि इसमें टेक एंड नॉन टेक दोनों चीज हो जाती है, तो काफी अच्छी ब्रांच है, बच्चे इसे भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें भी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है अगर आप लोग अच्छे से कोडिंग करते हो। तो ये आपको 26,764 रैंक तक मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 29,000 तक आपको देखने को मिल जाता है। तो देखो बच्चों, मैंने सारा कुछ आपके लिए डिस्कस कर दिया है, बाकी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, और हाँ, ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर देना, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। कॉलेज में 20 लाख रुपीज खर्च होने वाले, यहां हम आपसे कितना ले रहे हैं, ओनली 1999। इसलिए जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।